हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का मेरा वीडियो बंटिंग जू पर है। बंटिंग जू को बहुत आसानी से लगा सकते हैं कटिंग से, और मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था, लेकिन अब मेरे पास ये काफ़ी बुशी हो गया है, तो मैं इसे कट कर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। बहुत आसानी से ये कटिंग से चलता है, छोटी सी कटिंग भी चल जाएगी। बस ध्यान रखना होगा कि आप इसको मिट्टी में हल्के हाथों से इंसर्ट कर दें और उसके बाद पानी कम दें। और मैंने जिसके लिए मिट्टी बनाई है उसमें मैंने सिंपल मिट्टी का यूज़ ना करके कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, परलाइट और थोड़ी सी नीम की खली मिलाई है। तो इस तरह की मिट्टी में यार जब आप कोई प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि रूट्स बहुत आसानी से और जल्दी निकलती हैं। और इसको मैं हैंग करना चाहूँ तो आसानी से हैंग भी कर सकती हूँ। जब हम सिंपल मिट्टी में प्लांट लगाते हैं तो हैंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि भारी हो जाता है पॉट। और इस तरह से अगर आप कोई भी पॉट को हैंग करना चाहते हैं तो हल्की मिट्टी बनाएंगे तो वह आसानी से हैंग भी होगा और उसमें आसानी से ग्रो भी करेगा। तो इस तरह से इसको लगा दें और पानी कम दें, क्योंकि अभी कर हीट ज़्यादा हो गई है, तो इसे मैं छाया में ही रखूँगी, धूप में नहीं रखूँगी। और उसके बाद ये जल जाए तो फिर आपको धूप और छाया वाली जगह पर रख सकते हैं, तो आसानी से चलता रहेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।